Unidentified gunmen riding motorcycles fired at a satellite news gathering van of a Pakistani television in Karachi, but the staff on board remained unhurt, police and eyewitnesses said. The attack comes in less than 2 weeks that the gunmen shot dead a journalist on September 9th. A technician working for the country's most popular news channel was killed in a similar attack on September 8th. ये तकरीबन दो हफ्तों के दौरान ये तीसरा बड़ा वाकया है और आपको याद होगा कि इससे पहले जियो की सैटेलाइट वैन पर फायरिंग हुई थी बादरबाद में जिसमें उनके सैटेलाइट इंजीनियर जो थे वो जांबाक हुए थे ड्राइवर जख्मी हुआ था इसी तरह उसके बाद उसके अगले रोज ही समा के एक सीनियर सहाफ़ी थे आफ्ताब अहमद साहब उनके घर पर फायरिंग हुई जो वो घर से बाहर निकल रहे थे जिसमें वो जांबाक हो गए थे उसके बाद तीसरा बड़ा वाकया कि समा की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी और उस गाड़ी पर फायरिंग की गई खुशकिस्मती से इस गाड़ी में सवार अमले के तमाम अफराद महफूज रहे। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन संडेज इंसिडेंट द गनमैन फॉलोड द DSNG और डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग वैन ऑफ समा टेलीविजन न्यूज चैनल एंड ओपन फायर ऑन इट इन लायकताबाद एरिया इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। वन बुलेट हिट द वैन्स रियर शील्ड एंड शैटर्ड इट। द अदर बुलेट पियर्स्ड थ्रू द बॉडी। इट वॉज अनक्लियर हु वॉज बिहाइंड द शूटिंग्स इन कराची और इफ दे वर लिंक्ड। दहशतगर्द इस वाक़े के ज़रिए एक बार फिर ये मैसेज देना चाहते हैं कि शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो ऑपरेशन है वो गैर मौसर है और वो इस ऑपरेशन के ज़रिए इस हमले के ज़रिए आवाम को ये बताना चाहते हैं कि वो गैर महफूज समझे खुद को क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे